Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Aastha and today I've come up with this video to provide you guys various tips of how to fill the CVT preference list. So basically what I feel is preference list is something which is very underrated. Like bacche CVT ke exam ke liye padh lete hain, use de dete hain, but what I feel in life you don't always need to work hard. You also need to work some smart. हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन से लाइफ चलती है. जो दोनों कर लेता है वही सक्सेसफुल होता है. सो प्रेफरेंस लिस्ट इज समथिंग विच इज द गेम चेंजर. प्रीवियसली लास्ट ईयर ऑल्सो देर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिनका सीवीटी स्कोर वॉज नॉट दैट अप टू द मार्क. इतना अच्छा स्कोर नहीं था, बट बिकॉज दे फिल्ड देयर प्रेफरेंस लिस्ट वेरी कॉन्शियसली स्मार्टली दे कुड मेक इट टू अ वेरी गुड कॉलेज. सो टुडे आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद मेनी टिप्स ऑफ हाउ टू फिल द सीवीटी प्रेफरेंस लिस्ट. सो लेट्स गो. Tip that I would like to provide you guys is fill as much preferences as you can. Like previously last year I filled around like 256 preferences, which sounds very much, but like you have to. Even though my score was 760 plus, which was a good score, I did get a very good college, but is cheez mein nahi rehna ki yaar mera score to itna aa sakta hai, my exam went very good, तो इसकी वजह से मैं सिर्फ अपने अप टू द मार्क कॉलेजेस भर लूँ. ये गलती प्लीज़ मत करना, बहुत लोगों ने करी है एंड वो अभी तक पछता रहे. दे आर गिविंग द सी वी टी वंस अगेन. सो डोंट डू दिस. ये एक आपकी प्लेट है, उस थाली में जितना भी भर सकते हो प्लीज़ भर लो. जितने की भी आप केपेबल हो, जो भी आपका लाइक फोटे है, प्लीज़ डू दैट. इस चीज़ में नोबडी इज चार्जिंग यू एक्स्ट्रा फॉर दिस. फिल एज मच प्रेफरेंसेज एज यू कैन. Next step that comes is, which is a part of the first step only, figure out the subjects that you want to pursue in your college. For example, if you are from a humanities background and you want to continue in humanities only, figure out the subject that you want to pursue. Geography, history, political science, or supposedly you are from a science or commerce background, continue in a different stream. So basically you just have to figure out the subjects that you want to pursue and then fill the colleges according to that, and fill all the courses that provide those subjects, all the honors program, BAP programs, BSc programs, BCom programs. And one mistake that बहुत बच्चे करते हैं is BAP programs को बहुत हल्के में ले लेते हैं. honors के चक्कर में they just don't fill the BAP. BAP को नहीं छोड़ना है. बहुत बार ऐसा होता है आपको honors किसी reason से नहीं मिल पाता, but BAP they act as your life savers. And I would not say that they are equally important. ये बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है. बहुत लोग होते हैं कि उनको बी ए पी ज़्यादा अच्छा प्रेफरेबल लगता है, किसी को ऑनर्स लगता है, मोस्टली ऑनर्स लगता है, बट ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी वाली बात है, बहुत सब्जेक्टिव बात है. बट बहुत लोग इसको बी ए पी को हल्के में लेके भरते ही नहीं. ये गलती आपको नहीं करना है, सारा भरना है. वो आप चीज़ कर सकते हो कि आपको ऑनर्स ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उसको ऊपर भर रहे हो, बी ए पी को नीचे भर रहे हो, और द वाइस वर्सा. बट भरना ज़रूर है बी ए प्रोग्राम को. दे कैन एक्ट एज अ लाइफ सेवर फॉर यू. सो या नेक्स्ट पॉइंट एंड द मेन पॉइंट दैट कम्स इज कॉलेज वर्सेस कोर्स. लाइक मैं याद करती हूँ ना, पिछला साल मैंने लास्ट ईयर अपनी प्रेफरेंसेस खोली थी भरने के लिए एंड आई वाज लाइक यार कॉलेज पहले रखो या कोर्स. मेरी प्रायोरिटी कॉलेज, अच्छा कॉलेज पहले होना चाहिए या फिर कोर्स जो मेरे को करना है. सो बेसिकली आई वॉन्टेड टू डू पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ये मेरा मेन था. बट मेरे को जाना था सेंट स्टीफन्स में, इट वॉज माई ड्रीम कॉलेज. और सेंट स्टीफन्स में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स थी ही नहीं. सो ऐसे भी हो जाता है. बट कॉलेज वर्सेस कोर्स इज समथिंग कि हर बच्चे की प्रॉब्लम, आई वुड नॉट इवन से कि 90%, मोर देन 90% हर बच्चे को प्रॉब्लम आती है. बट अगर आप इस चीज़ को अभी से प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दोगे, एंड प्रायोरिटाइज इन द सेंस आप कैसे करोगे, लाइक इफ़ यू आर दैट पैशनेट अबाउट योर सब्जेक्ट और अबाउट द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू आर पर्सुइंग, कि मेरे को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से, मेरे को पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी से, और बी कॉम से, इतना ज़्यादा लगाव है इन सब्जेक्ट से कि मेरे को यही करना है, एंड यू आर सो पैशनेट अबाउट, सो गो फॉर इट. देन फिर आप अपने कॉलेज के लिए इतना मत करो. बट आपकी प्रेफरेंस ये है कि द क्राउड, द एक्सपोजर दैट यू आर गोइंग टू बी विद फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, दैट मैटर्स टू यू द मोस्ट. तो फिर लाइक दैट्स अ डिफरेंट केस. फॉर मी इट वॉज लाइक कि मैंने बींग इन अ मिरांडा हाउस ऑफ स्टीफन्स वॉज अ थिंग फॉर मी. लाइक बींग अ यू पी एस सी एस्पिरेंट, लाइक बहुत नॉर्थ कैंपस में बेसिकली लोग इसलिए आना चाहते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू डू यू पी एस सी एंड वो माहौल मिलता है. सो दे आई सेक्रीफाइज्ड माई कोर्स
for a better college a little bit, and I'm really proud of it. Like, but that thing is totally dependent upon you. ये आपको decide करना होगा. दोनों चीज़ों में बिल्कुल कोई गलती नहीं है. But अगर आप अभी से decide करोगे या बहुत आपको literally बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उस time पर इतना pressure होता है, you just can't. इतनी हड़बड़ाहट में आके बंदा गलत feel कर देता है. So yeah. So the next point that you need to focus on is the simulated rankings. Trust me, it is also a game changer. Do not take it very lightly, because simulated ranking affected a lot of my preference list. Like, my preference list used to look a lot different before the simulated ranking came out, and I changed it according to that, and I got a better college. So like, just because you are getting a bad, like a good rank, but you don't want that course, but you still want the college, keep it above others, because that will. So the next point that comes is, should we fill minority colleges or not? So basically, there are two types of minority colleges. First is Christian minority college, and the second one is Sikh minority. In Christian minority, there comes St. Stephen's, Jesus and Mary College, and in Sikh minority, there comes Khalsa and Mata Sundari. So the thing with these colleges is that the 50% of the seats in these colleges are reserved for the minority people. So if you are the part of the community, it is preferable that you keep these colleges thoda upar. But if you are not the part of the community, the chances of you getting into the college is somewhat less as compared to the people of the community. So it is preferable that you keep these colleges thoda niche as compared to your other preferences. So lastly, previously, the thing with me, I filled Khalsa College in my like hundreds, which I could have put it in my 20s or 30s or 40s, because it is a very good college. So me being a Hindu, there was like less chances of me getting into a Khalsa. So I thought realistically and put it in my like hundreds. So yeah. So the last tip that I would like to provide you guys is that you should keep realistic goals. So the problem with our batch was that we didn't have any idea that what kind of college that we are gonna get. So even if we score like 700 plus or 650 plus, we didn't have any idea what kind of college that we can get. But your batch has this advantage that you somewhere have an idea from our experience what kind of college that you can get. For example, if you're scoring around 700 plus or 650 plus, there are like decent chances of you getting a North Campus college. Or if you lie around like 500 to 650, there are chances of you getting a South Campus college. Or you score below 500, there are chances of you getting an off campus college. So you somewhere have an idea of around what score you can get what college. So focus on that, and please keep realistic goals, because it will be beneficial for your like emotional as well as the mental health. At that time you'll really need it. So yeah, that's about it. So if you're filling your preference list, please keep all these tips in your mind. And if you like this video, so please like, subscribe and share with all your friends. So yeah, bye bye.